morning to all. After completion of the urine formation, I continue with anatomy of ureter. Anatomy of ureter. ओके, अब हमें एनाटॉमी ऑफ यूरेटर देखना है. फर्स्ट हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं. लेंथ, लेंथ जो है वो क्या है, 25 to 30 centimeter होता है. ठीक है, अब हम डायमीटर की बात करें. डायमीटर जो होगा वो कितना होगा, 3 mm to 4 mm. ओके, नेक्स्ट हमें देखना है कि यूरेटर कहाँ, ये मेन काम क्या है यूरेटर का. ठीक है, यूरेटर जो होता है, यूरिन जो भी यूरिन फॉर्म हो रही है वो कहाँ, नेफ्रॉन से फॉर्म हो रही है यूरिन. और क्या है, नेफ्रॉन से फॉर्म हो के कहाँ आती है, यूरेटर में. ठीक है, नेफ्रॉन के बाद यूरेटर में आती है. ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या करती है, एक कनेक्शन बनाती है. ठीक है, किसके बीच में, किडनी और ब्लैडर के बीच में. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अब किडनी और ब्लैडर के बीच में कनेक्शन बनाती है, तो याद रखना है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किडनी के बाद की. किडनी को मेडिकल टर्म में रीनल बोलते हैं, और एंड पार्ट किडनी का क्या होता है, पेल्विस. तो ये रीनल पेल्विस से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड हो रही है, एंड पार्ट ब्लैडर में एंड होती है. ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है. तो अभी हमें क्या बताया, बेसिक्स में यूरेटर के लेंथ क्या होता है, 25 to 30 centimeter, डायमीटर 3 mm to 4 mm. यूरेटर क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, कनेक्शन करता है किसके बीच में, किडनी और ब्लैडर के बीच में. क्यों, क्योंकि यूरिन जो होती है नेफ्रॉन के बाद किडनी से कहाँ जाती है, ब्लैडर में जाती है. स्टार्ट कहाँ होता है यूरेटर, रीनल पेल्विस से स्टार्ट होता है, एंड होता है ब्लैडर में, ओपनिंग होती है इसकी, वहाँ पे एंड होता है. अब हम देखेंगे लेयर्स ऑफ यूरेटर. लेयर्स ऑफ यूरेटर में 3 layers होती है मेनली, म्यूकोसा, मस्कुलरिस, एडवेंटिशिया एंड सेरोसा. मस्कुलरिस लेयर जैसा नाम है वैसे हमें पता चल रहा है, मसल से बनी होती है. फिर यहाँ एडवेंटिशिया है, इसको सेरोसा बोलते हैं, ये फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है. अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, एक सिंपल स्ट्रक्चर में ये है मान लो यूरेटर. अब ये यूरेटर है और यूरेटर में 3 layer की बात कर रहे हैं, तो बाहर वाली हो गई एडवेंटिशिया, इसके बाद सेकेंड जो हो गई मस्कुलरिस, और ये लास्ट हो गई म्यूकोसा. अब हम और बड़े में अगर डायग्राम की बात करें क्लियरली तो कैसे है वो हम आपको दिखाते हैं. मान लीजिए ये है. ठीक है, अब सबसे बाहर जो लेयर होती है वो एडवेंटिशिया है. ठीक, अब इसके अंदर कोई भी चीज़ है, हॉलो है, तो हॉलो चीज़ को हम यहाँ नाम देते हैं ल्यूमेन. ये खाली है अंदर. यूरेटर कैसा होता है, हॉली है, ट्यूब है ना, सॉरी हॉलो है, अंदर खाली है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. तो ये जो खाली पोर्शन होता है, हॉलो पोर्शन होता है, उसको ल्यूमेन बोलते हैं. अब ल्यूमेन के चारों तरफ कुछ सेल्स होते हैं. ठीक है, ल्यूमेन के चारों तरफ कुछ सेल्स होते हैं. यहाँ पे इस लेयर को बोलेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ट्रांजिशनल एपिथेलियम. अब ट्रांजिशनल का मतलब होता है ऐसी लेयर जो क्या होती है, स्ट्रक्चर चेंज करती है. मतलब अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होना है, सिकुड़ना है, तो सिकुड़ेगी भी, और ज़्यादा अगर डायलेट होना है तो डायलेट भी होगी. तो ये लेयर क्या है, डायलेट होने में और कॉन्स्ट्रिक्ट होने में हेल्प कर रही है विद द हेल्प ऑफ सेल. तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम. अब एडवेंटिशिया बाहर की लेयर हो गई, अंदर सबसे
अंदर ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन के पास ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। अब हमें ये देखना है कि इसके बाद ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या होता है। बहुत सारा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, मींस ये बोला हुआ है कि ट्रांजिशन एपिथेलियम के ऊपर एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं लैमिना प्रोपिया। ठीक है, इसके ऊपर जो लेयर होती है उसका नाम लैमिना प्रोपिया है। ठीक है, अब लैमिना प्रोपिया हो गया, इसके बाद हमें क्या देखना है। अभी लैमिना प्रोपिया जो होती है और ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये दोनों मिला के म्यूकोसा फॉर्म करती है। ठीक है, अब ये म्यूकोसा फॉर्म कर गया। अब हमें याद रखना है एक लेयर बचा हुआ, यहाँ मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, मान लिया ये मस्कुलरिस लेयर है, ये मस्कुलरिस लेयर बचा हुआ है, तो ये मस्कुलरिस लिख गए। ठीक है, अब ये मस्कुलरिस लेयर है। अब इसमें एक चीज़ याद रखना है, मस्कुलरिस लेयर में अब ये मसल्स से बनी है। मेनली टू टाइप्स ऑफ मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। बाहर की साइड कुछ इस तरीके से मसल का अरेंजमेंट है, तो ये कौन सी हो गई, सर्कुलर। ठीक, और फिर जो इस तरीके से होंगी इनसे अटैच, ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल। ओके, जो ऐसे सर्कुलर हैं वो सर्कुलर हो गई, और ये सर्कुलर मसल हो गई, और ये ऐसे ऐसे वर्टिकल हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल हो गई। तो ठीक है, सबसे वाली, सबसे बाहर वाली एडवेंटिशिया, उसके अंदर मस्कुलरिस और सबसे अंदर म्यूकोसा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखता है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा इजी करने के लिए ऐसे समझ लें डायग्राम से, अगर आप भूल रहे हो तो, सबसे पहले हमें देखना है म्यूकोसा लेयर होती है। ठीक है, म्यूकोसा लेयर जो होती है वो किसकी बनी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की। ठीक है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और इसमें क्या है, प्लस लैमिना प्रोपिया, ये आपको बताया। ठीक है, अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है वो कैसी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है ये कैसी है, एवैस्कुलर है। ए वैस्कुलर का मतलब होता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती हैं। ठीक है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। लैमिना प्रोपिया जो होती है, लैमिना प्रोपिया वो कैसी है, इसकी जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक, ये चीज़। नेक्स्ट हमें देखना है मस्कुलरिस लेयर। ठीक, मस्कुलरिस लेयर टू में डिवाइड होती है, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल। ठीक, नेक्स्ट हमें देखना है सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल है, दोनों जो फंक्शन करती हैं वो मेन क्या फंक्शन होता है, पेरिस्टेल्सिस का फंक्शन होता है। पेरिस्टेल्सिस ईसोफेगस जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें ईसोफेगस में पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होता है। मींस अगर ये कुछ इस तरीका, ये ईसोफेगस है या यूरेटर है, अगर यहाँ पे यूरिन है तो ये बार बार प्रेस होगी, ऊपर वाला पार्ट प्रेस होगा तो यूरिन और नीचे जाएगी, फिर नीचे वाला पार्ट प्रेस होगा, तो ये जो प्रेसिंग मूवमेंट होता है, जैसे डाउनवर्ड फ्लो हो पाता है यूरिन का, इसको बोलेंगे पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस अभी बोला कि डाउनवर्ड मूवमेंट के मतलब नीचे की तरफ ढकेलने का काम करती है यूरिन को, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोपेल यूरिन।
मतलब यूरिन को नीचे ढकेलने के लिए। लास्ट लेयर है एडवेंटिशिया। ठीक, अब लास्ट लेयर है एडवेंटिशिया। जो भी चीज़ बाहर की होती है सबसे आउटर, उसका मेन काम क्या होता है? सपोर्ट। तो ये क्या है? एक सपोर्टिंग लेयर है जो क्या है, स्ट्रक्चर को बनाए रहने में हेल्प करती है। साथ में क्या है, दूसरा प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ठीक, अब हमें एक चीज़ और याद रखना है, एनाटॉमी में मेनली जो होता है यूरेटर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये यूरेट्रो पेल्विक, नेक्स्ट है सॉरी यूरेट्रल सेगमेंट, लास्ट है यूरेट्रो वेसिकल। अब यूरेट्रो पेल्विक, यूरेट्रो से मतलब सब जगह याद रखना है, या यूरेट्रल है यूरेटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेल्विक वर्ड में बोला हुआ है। तो अब सीधा सा है, पेल्विक कहाँ पे संबंध है यूरेटर का, मतलब रीनल में, रीनल पेल्विस होता है उसका रिलेशन है यूरेटर से। तो वो पार्ट जहाँ पे यूरेटर रीनल पेल्विक से मिलता है उसको बोलते हैं यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन। एक पार्ट ये जहाँ से यूरेटर का मेन स्टार्ट, यूरेटर स्टार्ट होने के बाद ये पार्ट होता है। नेक्स्ट यूरेट्रल सेगमेंट, मतलब जो उसके ट्यूब्स हैं वो यूरेट्रल सेगमेंट है। नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे यूरेटर एंड होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन। ठीक है, अब यूरेट्रो वेसिकल क्या है? यूरेट्रो मतलब यूरेटर, वेसिकल से मतलब यहाँ पे ये है जहाँ पे यूरेटर की ओपनिंग होती है ब्लैडर में, और वहाँ पे एक स्पिंचर होता है, मतलब एक लिड की तरह होता है, ढक्कन होता है जैसे हार्ट में होता है, जो बैक फ्लो प्रिवेंट करता है। ठीक है, बहुत सारे वाल्व होते हैं ना जो बैक फ्लो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं हार्ट में, वैसे ही यहाँ पे यूरेट्रो वेसिकल स्पिंचर भी होता है। तो ये वो जंक्शन है, जंक्शन का मतलब है जहाँ दो चीज़ मिल रही, तो यूरेटर साथ में वहाँ पे क्या है ब्लैडर की, ब्लैडर मिल रहा है और ओपन हो रहा है ब्लैडर में वो पार्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन। वहाँ पे एक स्पिंचर होता है जिसका नाम होता है, मतलब एक ढक्कन की तरह होता है, एक लिड होता है, स्पिंचर बोलते हैं जिसे, जो क्या करता है यूरिन के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है कि वापस यूरिन ब्लैडर से यूरेटर में होके किडनी में ना चली जाए। ठीक है, और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताते हैं आपको, यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन जो है अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो क्या होगा कि यूरिन नीचे की तरफ पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्या है रीनल पेल्विस से ही यूरिन क्या हो रही है, नीचे यूरेटर में आ रही है। जब ऊपर वाला पार्ट ही ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, ये बहुत सारा यूरिन का अमाउंट किडनी में भर जाएगा और किडनी में डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब बस हमें फंक्शन देखना है यूरेटर। पहली चीज़ अभी बोला यूरेटर का मेन काम क्या है, प्रोपेल यूरिन, यूरिन को क्या करता है नीचे की तरफ धकेलता है। अभी 3 पार्ट बताए, 3 पार्ट में से एक है यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन। यूरेट्रो पेल्विक जंक्शन जो होता है वो किस में हेल्प करता है, यूरिन को डाउनवर्ड मूवमेंट में, कहाँ से, रीनल पेल्विस से क्या होता है यूरिन प्रोपेल करता है, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं, प्रोपेल यूरिन डाउनवर्ड टू ब्लैडर। ठीक है, सेगमेंट क्या है, अभी बोला सेगमेंट वो पार्ट है यूरेटर का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है।
ठीक है, बीच में जो रीनल पेल्विस के बाद है, ये क्या करता है, सेगमेंट रीनल पेल्विस से क्या करता है, ये कनेक्शन बनाता है किसके बीच में, किडनी और ब्लैडर के बीच में। थर्ड पार्ट लिखा है हेट्रो वेसिकल, सॉरी, ठीक है, अभी बोला है यूरेट्रो वेसिकल जंक्शन, वो पार्ट है जहाँ क्या करते हैं, जो क्या करता है यूरिन को कलेक्ट करने में हेल्प करता है, कलेक्शन इन ब्लैडर। और दूसरी चीज़ क्या है, जो स्पिंचर होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट बैक फ्लो। और अभी बोला है कि स्पिंचर का, बोला था स्पिंचर का नाम क्या हो रहा होता है, सॉरी यूरेट्रो वेसिकल स्पिंचर, ठीक है। तो जो यूरेट्रो वेसिकल स्पिंचर होता है वो क्या होता है, यूरिन का बैक फ्लो प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो आपको एनाटॉमी बताया और फंक्शन बताया, थैंक यू।